नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द वंदे भारत। आईसीसी 20 क्रिकेट विश्व कप में भारतीय टीम ने हर किसी को निराश कर दिया है। विराट कोहली की कप्तानी में खेल रही भारतीय टीम को इस टी20 विश्व कप से सबसे प्रबल दावेदार माना जा रहा था, लेकिन अभी तक टीम ने जिस तरह का प्रदर्शन किया है उससे काफी मायूसी का माहौल बना हुआ है। वहीं भारत एक बहुत ही संतुलित और मजबूत टीम के रूप में टी20 विश्व कप में खेलने उतरी। टीम से काफी उम्मीदें तो थी, लेकिन भारत ने इस विश्व कप में पहले तो पाकिस्तान और उसके बाद न्यूजीलैंड से मैच गंवाकर अपनी स्थिति काफी खराब कर ली। वहीं भारतीय टीम के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली के लिए कप्तान के रूप में ये अंतिम टी20 इंटरनेशनल टूर्नामेंट है। ऐसे में वो कप्तान के तौर पर इसे सफल बनाने की चाहत रखते हैं, लेकिन खुद विराट कोहली के कुछ फैसलों के कारण उनकी कप्तानी पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। विराट कोहली की कप्तानी को काफी आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ रहा है, जिसमें देश विदेश के कई दिग्गज खिलाड़ी विराट कोहली की अब तक की रणनीति पर सवाल उठा रहे हैं, जिसमें अब इंग्लैंड के पूर्व स्पिन गेंदबाज मोंटी पानेसर ने भी कोहली की कप्तानी को घेर लिया है। मोंटी पानेसर का मानना है कि विराट कोहली को पूरा क्रिकेट जगत बल्लेबाज के रूप में हमेशा याद रखेगा, लेकिन एक कप्तान के रूप में विराट कोहली की हमेशा आलोचना हुई है। मोंटी पानेसर का मानना है कि भारत अभी भी सेमीफाइनल में पहुंचने का करिश्मा कर सकता है। इंग्लैंड के पूर्व स्पिन गेंदबाज मोंटी पानेसर ने कहा कि फैंस विराट कोहली को एक बेहतरीन बल्लेबाज के रूप में याद करेंगे, लेकिन एक कप्तान के तौर पर उनकी हमेशा आलोचना ही करेंगे। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।